माते, हमारे पास सदैव सभी समस्याओं के श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय होते हैं, पर आपकी बढ़ती हुई उत्सुकता का भी एक श्रेष्ठ उपाय है हमारे पास। जब तक प्रभु श्री नारायण निद्रा में है, आप शीघ्र अति शीघ्र श्री कृष्ण के वामन रूप के दर्शन करके आ जाइए। हाँ नारद मुनि, किंतु प्रभु ने कहा था ना कि श्री कृष्ण को पहले वो अति महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है जिसके लिए उन्होंने वामन रूप धारण किया है। कभी प्रभु का कार्य पूर्ण होगा, कभी आप उनके दर्शन करेंगी, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए। नहीं नहीं नारद मुनि, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, और मैं कौन सा उनके कार्य में विघ्न डालने जा रही हूँ। मैं तो बस वामन कृष्ण की छवि देखना चाहती हूँ। क्षमा करना प्रभु, मैं तो समय का लाभ उठाकर अपनी उत्सुकता को शांत करना चाहती हूँ। फिर मैं आप ही के तो दर्शन करने जा रही हूँ, अतः ये अपराध क्षम्य है। वामन कृष्ण तो इसी मार्ग से विद्युत माली के राज्य में प्रवेश करने वाले थे, किंतु वो तो इस मार्ग से आए ही नहीं। ये कैसी दीवार है? ये महाबली विद्युत माली का साम्राज्य है, और इस साम्राज्य में बिना किसी आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। मुझे वामन कृष्ण के दर्शन करने हैं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सचेत करता हूँ, यदि आपने नियम तोड़े तो अवश्य ही मुझे आपको रोकना होगा। मुझे रोकने और बुलाने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरा जहाँ मन करता है मैं आती हूँ और जाती हूँ। ऐसा ना हो कि राधा और ललिता का कोई अपहरण कर ले।